कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, इसको इस तरीके से आप महसूस करें कि कभी आप ऐसा देखें दुनिया के अंदर के जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, गलत कारोबार करने वाले, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, खुले आम रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वालों को अगर आप फलते फूलते देखें तो कभी ये न सोचना कि ये हक पर हैं और अल्लाह इनसे राजी है। इस वक्त एक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के मुसलमान जिसके शिकार हो चुके हैं, वो कंफ्यूजन फैला हुआ है कि आखिर जुल्म ज्यादती का तूफान दुनिया के एक किनारे पे बपा है, बेगुनाह नन्हे नन्हे बच्चों का कत्ले आम हो रहा है, इमारतें मसमार की जा रही हैं, शहर को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, फिर भी क्या वजह है कि जुल्म करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से जिंदगी गुजार रहा है? ये सवाल उठना वाजिबी है और ये सवाल दर हकीकत हर इंसान के दिलो दिमाग के अंदर गर्दिश करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि ये ख्याल सिर्फ आपके जहन में आया है, हदीस की रोशनी में देखें तो बहुत सारे पाप के दलदल में डूबे हुए और हराम कारोबार करने वालों के पास दौलत की फरावानी देखकर सहाबा भी ये सोचने लगे कि आखिर ये ऐसा क्यों, तो उन्होंने हुजूर से भी सवाल किया इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की कुछ हिकमतें होती हैं और ये बात याद रखें, जुल्म ऐसी चीज है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे गवारा नहीं फरमाता। अल्लाह कुफ्र को गवारा कर लेगा, जुल्म को गवारा नहीं करेगा। और इसी को कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह को बेखबर गुमान न करें, अम्मा यामलू ज़ालिमून, जो जुल्म कर रहे हैं ये न समझे कि अल्लाह गाफिल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला बाखबर भी है कि जुल्म हो रहा है, मौला जानता भी है कि जुल्म हो रहा है, तो ये जालिम को इतनी ढील क्यों, जालिम को इतनी मोहलत क्यों? तो कुरान ने कहा, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहि अल-अबसार, इसके अलावा कुछ भी नहीं कि उनके मामले को मुअख्खर किया गया कयामत के दिन के लिए, ताकि कयामत के दिन उनकी आंखें बिछी की बिछी रह जाएं। यानी ये बात याद रखें, कुछ गुनाहों का अजाब अल्लाह दुनिया में ही दे देता है और कुछ का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आखिरत में अता फरमाएगा, लेकिन ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी जालिम ऐसा है ही नहीं जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी बदला ना दिया हो उसके जुल्म का और आखिरत में भी बदला ना अता फरमाए। इस बात को याद रखिएगा, हदीस मुबारका में दो गुनाह के अजाब मरने से पहले अल्लाह दुनिया में भी दे देता है और आखिरत में भी अता फरमाएगा, दो गुनाह, एक जुल्म और दूसरा सिले रहमी की बजाय कत्ए रहमी यानी रिश्ते काटने का गुनाह।
जो भाई भाई में लड़ाते हैं, मियां बीवी में लड़ाते हैं, भाई बहन में लड़ाते हैं, खानदान खानदान में लड़ाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गुनाह ऐसा है कि इसकी सजा अल्लाह मरने से पहले दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता। तो अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है, और तारीख उठाकर हर जालिम की जिंदगी पढ़ लीजिए आप, कोई दुनिया में जालिम ऐसा गुजरा ही नहीं जिसको अल्लाह ने दुनिया में उसके जुल्म की सजा न दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुल्म करने वाला कभी तसव्वुर करता है कि मैं कुछ भी करूं मैं बड़ा हूं सब कुछ कर सकता हूं, और सामने वाले को कमजोर देखकर उस पर जुल्म ज्यादती करता है, और कभी ऐसी पोजीशन होती है कि मजलूम इतना बेबस हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि आवाज भी नहीं उठा पाता। इसको फरमाया गया कि जब कभी कोई जालिम किसी बेगुनाह पर जुल्म करता है जो कमजोर है तो बेचारा चुप रहता है, मार खाता है, बर्दाश्त करता है, हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करता है, ये सब कुछ करता है, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बर्दाश्त करता है। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरा एक बंदा इतना बेबस है कि जालिम के सामने बोल भी नहीं पाता, इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता कि मुझे मत सताओ, बोल भी नहीं पाता। मौला ये तेरे बंदे की कैफियत है। तो रब कदीर जल्ला जलालू जलाल में आता है और फरमाता है मेरी इज्जत की कसम मैं इस बंदे को हलाक करके रहूं। जुल्म रवा है ही नहीं, कभी किसी कमजोर पर जुल्म करना ही नहीं चाहिए, यही वजह है। बहुत गौर से ये पूरी गुफ्तगू आपके जहन में रहे या न रहे, ये जुमला जहन में रखिएगा, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि इस मर्तबा के मदीने मुनव्वरा के सफर में रब की तरफ से ये सोच मुझे नसीब हुई, जहन में रखिएगा। अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, गौर कीजिएगा, अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए तो अल्लाह ताला उसमें नरमी पैदा कर देता है, और अगर किसी का ताल्लुक दुनियादार और दुनिया के ताजदारों से हो जाए तो उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। आप देखिएगा, अगर किसी का ताल्लुक इस मिनिस्टर से उस मिनिस्टर से तो वो सीना तान के अकड़ के चलेगा, लेकिन अल्लाह वालों का ताल्लुक तो खुदा से होता है, लेकिन वो कभी अकड़ के नहीं चलते, वो बिल्कुल नरमी के साथ चला करते हैं। ये कुदरत का एक निजाम है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुल्म की भी किस्में हैं। जुल्म की तीन किस्में हैं। एक किस्म है शिर्क, जैसा कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे बेटे अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराना कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। तो एक जुल्म तो यह है कि अल्लाह का किसी को हम शरीक ठहराएं, यह बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा, यह उसकी शान, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। दूसरा जुल्म मखलूक पर करना, मखलूक का मखलूक पर करना,
कोई इंसान किसी पर जुल्म करे, जैसा कि आम तौर पर आज दुनिया में हो रहा है, और हर जालिम ये समझता है कि मुझसे बड़ा 30 मार खा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं जो चाहूं कर लूं। मियां, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। जुल्म की सजा मुकर्रर है, वो मिलकर के रहेगी, मिलकर के रहेगी, और कैसी मिलेगी उसको भी कुरान ने मेंशन किया, वकदालिक अखद रब्बिक इजा अखदल कुरा वहिया जालिमा इन अखदहु अलीमुन शदीद। अल्लाह फरमाते ऐसे ही हम बस्ती वालों की पकड़ करते हैं जो जुल्म करते हैं, और बेशक उसकी पकड़ सबसे सख्त तरीन है। वो पकड़े तो दुनिया छुड़ा नहीं सकती, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है उसकी पकड़। इसी तरीके से एक और मकाम पर रब कदीर जल्ल जलालहू ने जालिम के हवाले से फरमाया कि जो लोग जमीन पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फौरन पकड़ क्यों नहीं करता? वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, उनके लिए अल्लाह ने हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह उन्हें हलाक करवा देगा। ये कुरान का दस्तूर बता रहा हूं, ये कुरान का काम। इसलिए मेरी बात हमेशा के लिए जहन में रखो, कभी किसी पर जुल्म न करो, यहां तक कि जानवर पर भी, उस पर भी जुल्म न करो। इस्लाम जुल्म को पसंद नहीं करता, इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम जुल्म को गवारा नहीं करता। जिन जानवरों को अल्लाह ने अक्ल नहीं अता फरमाई और जिन जानवरों के सिलसिले में कोई जजा या सजा का मामला नहीं, लेकिन आप जानते हैं हदीस मुबारका में कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया के अंदर मारा ना, तो कयामत में दोनों बकरियों को जमा किया जाएगा, जिसके सिंह नहीं थे उसे अल्लाह सिंह अता करेगा और कहेगा इसने तुझे दुनिया में मारा था, ले ले इससे बदला। यानी इतना अल्लाह जुल्म को नापसंद करता है, इतना नापसंद करता है। और तीसरा जुल्म मखलूक का मखलूक पर जुल्म, ये दूसरा हुआ। तीसरा जुल्म इंसान खुद अपने ऊपर करता है, खुद पर जुल्म करता है, और इसको तो कुरान ने मेंशन किया है जा बजा। खुद पर जुल्म करना कैसे? तो खुद पर जुल्म करने से मुराद यह है कि आदमी अल्लाह की दी हुई चीजों को उसके कानून के खिलाफ इस्तेमाल करके अपनी जान को हलाकत में डाल दे। आंख कुरान देखने के लिए दी, आंख से गुनाह किया, अब यह जुल्म जो उसने आंख से किया है इसकी वजह से हदीस मुबारका में कि कयामत के दिन उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएंगी, जिसने आंख से गुनाह किया है। तो ये अपने आप पर जुल्म हुआ, ये अपने आप पर। गाने सुने तो कयामत के अंदर, कयामत के दिन उसके कान के अंदर पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा, जिसने गाने सुने, गीबत सुनी उसके लिए अजाब है।